प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 के बाद पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सोनभद्र जिले की प्राकृतिक सुरम्यता को निखारने और उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एनटीपीसी सहित अन्य उपक्रमों और विभागों ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। जिले के हाथी नाला स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क को पर्यटन विभाग ने जहां लगभग 2 करोड़ से और बेहतर बनाने का कार्य शुरू किया है, वहीं जिले में स्थित एनटीपीसी रिहंद ने भी लगभग 5 करोड़ के सहयोग से खंता पिकनिक स्पॉट के एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन से समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने एनटीपीसी रिहंद के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करते हुए कहा, जिले के पर्यटन के विकास के लिए यह एक बड़ा और सराहनीय कदम है, इससे आने वाले समय में अन्य स्थल भी विकसित हो सकेंगे। जनपद सोनभद्र में टूरिज्म को लेकर जितने काम चल रहे हैं उसमें आज एक नया काम जुड़ा है और सीएसआर के अंतर्गत एनटीपीसी बीजपुर ने खंता पिकनिक स्पॉट जो हमारा मेहरपुर एयरपोर्ट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत सारे टूरिस्ट जनपद के बाहर के वहां पे आते हैं, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है रिहंड जो रिजर्वायर है उसके किनारे, और इसी को डेवलप करने के लिए लगभग 5 करोड़ का जो धनराशि है वो सीएसआर के अंतर्गत एनटीपीसी बीजपुर ने आज देने के लिए एमओयू यहां पे साइन किया है। बहुत बड़ी धनराशि क्योंकि एनटीपीसी बीजपुर सीएसआर के अंतर्गत इसको दे रहा है, तो सारी सुविधाएं जो पर्यटकों को अभी नहीं मिल पा रही है तो इन फ्यूचर बहुत जल्दी ही पर्यटकों को मिलेगी।